नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यजीत गायकवाड़ एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। उसके साथ ही हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्स क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर उससे पहले आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 और 2 देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं, इंडियाज फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि नून एकेडमी इज हेयर फॉर यू। क्या है नून एकेडमी? इसमें आपको मिलेगी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी लाइव क्लासेस, और वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम आर डन। वहाँ आपको मिलेगी फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ क्लास, MCQ एंड प्रिपरेटरी सेशंस भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलने वाली है MSCET और नीट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पूरी गाइडेंस क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद मिलने वाला है अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है बिल्कुल ही फ्री। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में से नून एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लासेस का मजा लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्स। उससे पहले हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटन इन द इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो जो स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में हम लिख सकते हैं उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, देखो, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये वाला एक स्टेटमेंट कंसिडर कीजिए, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए, द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द कंडीशनल फॉर्म एज, यहां से, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, अगर वो रोम्बस है, देन तो क्या होगा, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के दो पार्ट में डिवाइड किया, और उसमें से पहला पार्ट होगा इफ का और दूसरा पार्ट होगा देन का। दैट मीन्स इफ देन के फॉर्म में ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट्स? तो स्टेटमेंट था हमारा, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर। किसके डायगोनल? रोम्बस के डायगोनल। मतलब वो क्या होना चाहिए? रोम्बस होना चाहिए। मगर यहाँ पर वही लिखा हमने, क्या लिखा, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, वो रोम्बस होगा तो क्या होगा, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर। कब होगा? जब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रोम्बस होगा। इफ इट इज अ रोम्बस देन द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स। इफ देन के फॉर्म में ऐसे हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसे ही हम कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद हमें देखना है कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है? इफ द एंटेसिडेंट एंड कंसिक्वेंट इज इन द गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर इंटरचेंज, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो देखिए, यहां पर दो चीजें ध्यान में रखना है, एंटेसिडेंट और कंसिक्वेंट। तो ये क्या होता है, तो ये एग्जाम्पल से समझ मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है यहां पर। तो यहां पर दिया गया है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये वाला पहला पार्ट है हमारा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, वो क्या है, रोम्बस। तो ये है हमारा पहला पार्ट, एंटीसिडेंट पहला पार्ट, और देन के बाद इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ईच अदर, यह है हमारा सेकेंड पार्ट, यानी कि कंसिक्वेंट। ओके, तो ये दोनों पार्ट जो है, तो ये दोनों पार्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे की जगह लेंगे, मतलब कुछ इस तरह। अब यहां देखो, पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या था, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो कन्वर्स में क्या होगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस, देन द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। तो दोनों स्टेटमेंट थे, दोनों एंटीसिडेंट और कंसिक्वेंट थे, दोनों ने इंटरचेंज हो ली, आपस में जगह बदल ली, तो इसे क्या कहेंगे हम, कन्वर्स कहेंगे। मतलब उससे कंडीशनल स्टेटमेंट से बिल्कुल उल्टा, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, कन्वर्स कहलाएगा। तो मालूम होगा कन्वर्स क्या है, तो कन्वर्स में क्या होगा, इफ और देन की जगह इंटरचेंज होगी, इफ के आगे जो पार्ट है और देन के आगे जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट। तो ये पार्ट, ये जो है स्ट्रक्चर किसका है, कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, और उसके बाद कन्वर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकेंड पार्ट पहले आ जाएगा इफ के बाद,
और देन के बाद पहला पार्ट जो था इफ के बाद का वो सेकेंड पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ आ जाएगा। ओके तो ये जो है स्ट्रक्चर है ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, कन्वर्स का स्ट्रक्चर है। तो कुछ इस प्रकार आपको कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते, आगे हमें देखना है थ्योरम्स एंड प्रूफ। अब ये नई बात है, ये बात आपने इससे पहले नहीं सीखी। तो क्या है थ्योरम, किसे कहते हैं और प्रूफ किसे। देखिए, अ प्रॉपर्टी इज सपोज टू बी ट्रू इफ इट कैन बी प्रूव लॉजिकली। कोई भी प्रॉपर्टी हम ट्रू कब कह सकते हैं, जब वो प्रूव करने लायक हो, प्रूव कर सकेंगे हम, तब वो प्रॉपर्टी ट्रू है ऐसा हम कह सकते हैं। इट इज देन कॉल्ड अ थ्योरम, तो उसे क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। वो जो प्रॉपर्टी जो हम प्रूव कर सकेंगे उसे हम थ्योरम कहते हैं। एंड द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूव द थ्योरम इज कॉल्ड प्रूफ। एंड जो आर्ग्यूमेंट है, जो स्टेप्स बताए गए हैं जिससे कि हम वो थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रूफ कहेंगे। जिसे इसे एक एग्जाम्पल से हम कंसिडर कर लेंगे, एग्जाम्पल से समझ में लेंगे। ये देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर इक्वल मेजर्स, आर ऑफ इक्वल मेजर्स, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। कैसे कि एक डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर दो लाइन्स है, ये पहली वाली लाइन और ये दूसरी वाली लाइन, दोनों लाइंस ने यहाँ पर एंगल क्रिएट करे। ये देखिए यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, द अपोजिट एंगल्स, ये दीज आर अपोजिट एंगल्स। तो ये अपोजिट एंगल कैसे होने चाहिए, आर इक्वल मेजर्स, इन दोनों की मेजरमेंट्स कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स देखेंगे। तो पहले स्टेप होनी चाहिए गिवन पार्ट, दिया गया क्या है हमें, यहाँ पर हमें दिया गया है कि लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट होगी, देखिए बिल्कुल यहाँ पर। और क्या दिया गया है, ए डैश ओ डैश बी, यानी कि ए ओ बी मतलब पॉइंट ओ ए बी के बीच में आना चाहिए। उसके बाद सी डैश ओ डैश डी, सी डैश ओ डैश डी, सी और डी के बीच में भी वो आना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। उसके बाद प्रूव क्या करना है, ये वाला सेकंड स्टेप, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है। कोई भी थ्योरम प्रूव करते टाइम हमें पहला स्टेप गिवन पार्ट लिखना है, दूसरा स्टेप टू प्रूव वाला पार्ट लिखना है। टू प्रूव क्या है, प्रूव यानी देन की, इफ जो है द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब देन का पार्ट क्या है, टू प्रूव वाला पार्ट। ओके तो जो एंगल है अपोजिट एंगल्स, ये पहली पेयर है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये देखिए ये दोनों इक्वल होंगे। और दूसरी दूसरा पार्ट ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, ये दोनों पेयर्स जो है अपोजिट एंगल्स की, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तीसरा तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तीसरा स्टेप है प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे हम, देखिए पहला स्टेप तो ये कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180, ये आपको बहुत से बच्चों को मालूम होगा। ए ओ सी, ए ओ सी देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए ओ सी, उसके बाद प्लस बी ओ डी किया, ये वाला एंगल सेकंड एंगल, तो ये इज इक्वल टू हुआ 180। कैसे हुआ, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनकी एडिशन 180 आती है। कितनी आती है, 180। तो सिमिलरली दूसरी जो लीनियर पेयर है, दूसरी लीनियर पेयर कुछ इस प्रकार है, बी ओ सी प्लस बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ सी, बी ओ सी और उसके बाद बी ओ डी, ये वाला और कुछ इस प्रकार, बी ओ सी ये यहाँ पर तीसरा एंगल और बी ओ डी यहाँ पर चौथा एंगल, दोनों की एडिशन कितनी हुई, 180 हुई। उसके बाद एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये देखिए ये दोनों की पहले एक पेयर ली और इन दोनों की एक पेयर, तो एंगल बी ओ सी दोनों जो है 180 है, दोनों की एडिशन 180 है, तो दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख ली, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी प्लस बी ओ डी, तो बी ओ सी जो दोनों साइड में है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए और बचा क्या, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और ये जो है ये हमें प्रूव करना था, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, तो पहला तो प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया। और आगे ऐसे बहुत सारे थ्योरम आपको प्रूव करने हैं, इसीलिए ये तीनों पार्ट आपको ध्यान में रखना है, गिवन टू प्रूव और उसके बाद प्रूफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखना है हमें प्रैक्टिस सेट 1.3। क्या है प्रैक्टिस सेट 1.3? तो इसमें हमें देखना है, पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। पहला स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। किसके अपोजिट एंगल्स? पैरेललोग्राम्स के। कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। मतलब इसे इफ देन फॉर्म में लिखना है। इफ यानी एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे? जब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। इफ मतलब इसे कहेंगे इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्या होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या होगा? अगर पैरेललोग्राम होगा तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन, तब क्या होगा? देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, कुछ इस तरह से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट होंगे, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब होंगे? जब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तब। मतलब जब होगा, इफ इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। किसके डायगोनल्स? रेक्टेंगल के। मतलब क्या? रेक्टेंगल होना चाहिए इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए इफ द क्वाड्रिलेटरल इज, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए कुछ इस तरह से हमें ये लिखना है। क्या लिखना है? ये देखिए कि यहाँ पर क्या दिया, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कॉन्ग्रुएंट है? डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऐसा है कि डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? कंडीशन क्या है? कंडीशन है वो रेक्टेंगल होना चाहिए। मतलब कंडीशन पहले लिखना है, इफ, इफ यानी वो कंडीशन, देन यानी उसका रिजल्ट। इफ जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि वो डायगोनल, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा फिर? देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसी प्रकार हमें स्टेटमेंट लिखना है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ बेस ऑफ इज परपेंडिकुलर टू द बेस। क्या देखिए, फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या होना चाहिए? आइसोसेलस ट्रायंगल होना चाहिए। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। मतलब कुछ इस प्रकार, ये देखिए, ये कुछ ऐसा आइसोसेलस ट्रायंगल रहता है। मतलब ये दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड सेम है। तो ये उसका वर्टेक्स और ये उसका बेस, बेस का मिड पॉइंट यहाँ पर और ये वर्टेक्स यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है, जो लाइन है, वो परपेंडिकुलर होगी बेस को। तो कुछ इस प्रकार ये प्रॉपर्टी यहाँ पर शो की गई है। लेकिन किसके लिए, किस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल है? तो ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है आइसोसेलस ट्रायंगल। मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि वो ट्रायंगल जो है वो कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए? आइसोसेलस ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब वैसे ही लिखेंगे, इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलस, इफ द ट्रायंगल इज, क्या होना चाहिए? आइसोसेलस होना चाहिए। इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलस देन क्या होगा? देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, और उसके बाद देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स से किसको जॉइन करेंगे? एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, वो क्या होगा? एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर टू द बेस। कुछ इस प्रकार से हमें ये स्टेटमेंट लिखना है। ओके, आई होप अब ये तीनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल तो नहीं है। ओके, तो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार, राइट द कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या करना है हमें? कन्वर्स लिखना है। क्या लिखना है? कन्वर्स लिखना है। तो अब उससे पहले क्या करेंगे हम, ये स्टेटमेंट समझ लेंगे।
पहला स्टेटमेंट क्या है? द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पहले कंडीशनल स्टेटमेंट लिख लेंगे, समझ में थोड़ी आसानी होगी. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट जो अभी अभी हमने फॉर्म किए, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है. इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस आर एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये रिजल्ट हो गया. ये क्या हो गया? रिजल्ट हो गया. लेकिन कब कॉन्ग्रुएंट है? जब दो लाइंस कैसी है? पैरेलल है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय देम एंड द ट्रांसवर्सल देन, सिंपल ऐसा लिखेंगे, सिंपली सादी भाषा में, देन द अल्टरनेट एंगल्स देन द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. फिनिश्ड. देन द अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट. लेकिन ये तो हुआ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट. ये क्या हुआ हमारा? कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ. इससे हमें क्या लिखना है? कन्वर्स लिखना है. इसका क्या लिखना है? कन्वर्स लिखना है. तो मतलब इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स होगा यानी उल्टा पार्ट. ठीक है, इफ के बाद जो है वो देन के बाद चला जाएगा और देन के बाद जो है वो इफ के बाद चला जाएगा. मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है फर्स्ट, ये वाला पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट की जगह पे जाएगा. एक दोनों पार्ट एक दूसरे की जगह लेंगे. मतलब इफ इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल. कुछ इस तरह से हमें लिखना है कन्वर्स. तो कन्वर्स भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एकदम से आसान है. तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए. लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे. अगर आपने मन में बना लिया तो भी चलेगा, लिखने की ज़रूरत उतनी नहीं है, लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेकेंड, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसमें, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री. तो देखिए यहाँ पर तो बनाया गया है ऑलरेडी, इफ देन स्टेटमेंट बनाया गया है, तो इसे डायरेक्टली हम कन्वर्स लिख सकते हैं. क्या लिखना है? कन्वर्स लिखना है. सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका कन्वर्स लिखना है. इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री. तो अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा. और देन के बाद जो है वो सेकेंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा. मतलब क्या होगा? इफ के बाद क्या आएगा? इफ के बाद आएगा इफ द लाइंस आर पैरेलल. इफ द लाइंस आर पैरेलल देन, देन के बाद पहला वाला पार्ट चला जाएगा, देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, पूरा पार्ट लिखना है, मेड बाय ट्रांसवर्सल्स ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री. कुछ इस तरह से हमें यह कन्वर्स लिखना है. जो थर्ड वाला है वो देखिए कैसे करेंगे. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कुछ इस तरह से इफ देन कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा. लेकिन इसका कन्वर्स कैसे करना है? कन्वर्स करना है इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल. ओके, इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल्स आर क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल. कुछ इस तरीके से हमें वो स्टेटमेंट लिखना है. तो आई होप ये वाला भी आपको पार्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा. इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है. राइट द एंटीसीडेंट, मतलब गिवन पार्ट, एंड द कंसिक्वेंट, मतलब पार्ट टू बी प्रूव, जो प्रूव करना होता है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको पहले ही बता दूँ कि जो गिवन पार्ट है, मतलब पहली कंडीशन, जो अपना कंडीशन है वही गिवन पार्ट है,
और जो प्रूव वाला पार्ट है यानी कंसिक्वेंट, वो उसका रिजल्ट होगा। ओके तो देखिए यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला पार्ट दिया गया है, ये वाली कंडीशन है, यानी इसे ही हम कहेंगे एंटीसीडेंट। और देन के बाद जो आएगा, देन के बाद जो आएगा वो वाला पार्ट होगा हमारा कंसिक्वेंट। तो इसे ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, इफ के बाद जो आता है उसे क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट। इफ के बाद जो आता है वो क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, यानी कि गिवन वाला पार्ट। और देन के बाद जो आएगा उसे कहेंगे कंसिक्वेंट, यानी कि पार्ट टू प्रूव, जो प्रूव करना होता है हमें। ओके तो देखिए यहां पर लिखेंगे क्या है एंटीसीडेंट, क्या है एंटीसीडेंट, पहले वाले क्वेश्चन में एंटीसीडेंट है ऑल साइड्स, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके उसके बाद देन, देन के बाद क्या आता है, कंसिक्वेंट आता है, क्या आता है कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट क्या है, यहां पर देखिए कंसिक्वेंट क्या है, कंसिक्वेंट है ऑल इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले तो ये समझने में आसान होने होना चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इफ देन फॉर्म में लिखेंगे। मतलब क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या है उसे कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे किसके, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के, मतलब क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। मतलब इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए पैरेललोग्राम। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल्स, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये तो हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इससे अब क्या लिखना है, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट लिखना है। क्या लिखना है, एंटीसीडेंट यानी कि गिवन वाला पार्ट क्या है, इफ के बाद आएगा, द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम तो क्या होगा, तो क्या बनेगा इससे, कंसिक्वेंट क्या बनेगा, कंसिक्वेंट होगा कुछ इस तरह से, देन के बाद इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके बाइसेक्ट ईच अदर। तो कुछ इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आई होप अब सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री जो पार्ट है हमारा चैप्टर फर्स्ट, वो पूरा का पूरा तीनों तीनों पार्ट्स में मैंने समझा दिया है। आपने दूसरे दो पार्ट अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।